बहुत ही तरीके से एहतियात को बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब कोरोना का खतरा एक बार फिर से पैदा हो गया है। हमारे बीच अजीत सिंह शेखावत हैं, आप एसपी के भिवानी हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर रही है, पहले दौर में भी, कोरोना की फर्स्ट वेव में भी, और अब चूंकि ये जिम्मेदारी अजीत सिंह ज़्यादा बढ़ गई है, चूँकि अब कोरोना एक नए स्ट्रेन के साथ आ गया है और नए खतरे के साथ आ गया है, तो किस तरीके से आप देखते हैं, आप भिवानी की जनता आपका कितना सहयोग करती है, आप किस तरीके से काम करते हैं, जानना चाहेंगे। हाँ, पहले तो धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। पिछली बार जब कोरोना था तब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उनको कोरोना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और उनको ये भी अनुभव नहीं था कि इस महामारी से कैसे बचा जाए। जैसे जैसे पिछले एक साल से जब कोरोना के साथ हमने जीवन जिया है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, तो उससे हमें भी एक अनुभव हुआ है कि इस कोरोना से किस तरह से बचाव किया जा सकता है। जो मेडिकल की जो गाइडलाइंस आ रखी है, 2 गज की दूरी है, मास्क है, ये सब बार बार हाथों को धोना है, सैनिटाइजेशन करना है, ये सारी बातें हम लोगों के सामने आ चुकी है। अब हमें बस उस जो हमारा अनुभव है उसका फ़ायदा उठाना है, और साथ में जो हमारा अनुभव से जैसे पिछली फर्स्ट वेव थी जिसको हमने बड़े अच्छे से इंडिया में कंटेन किया, उसी जो हमारे जो बेसिक्स थे यदि हम उनको फॉलो करते हैं तो दूसरी वेव को भी बड़ी इजीली कंटेन किया जा सकता है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि भिवानी के लोगों का कितना सहयोग रहा है, मैं कहूँगा कि धीरे धीरे जब एक साल से एक महामारी चल रही है तो लोगों में थोड़ी थोड़ी स्थिरता आ जाती है, लोग भी उसको बड़े हल्के में लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों में जानकारी भी बढ़ रही है, हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एनफोर्समेंट है लॉज का वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। नाइट कर्फ्यू है वो हम बड़ी स्ट्रिक्टली हम इसको फॉलो कर रहे हैं। साथ में भिवानी के वासियों में मैं कहूँगा लगभग 70-80% लोग मास्क पहन रहे हैं, परंतु फिर भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि मास्क नहीं पहन रहे हैं। उनसे हमारी यही अपील रहेगी कि मास्क को पहने, ये केवल चालान से बचने के लिए नहीं है, जैसे मैडम ने कहा, ये केवल चालान से बचने के लिए नहीं है, ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। और साथ ही ये भी हमें सोचना होगा कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है हमारी वो लिमिटेड होती है, ये जो संक्रमण की दर है यदि वो स्लो रहती है तो हम सबका बचाव है, लेकिन यदि ये संक्रमण की दर यदि तेज रहती है तो इसमें हम सबको को नुकसान होगा। और तो उसी तरह से पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बिल्कुल इस मामले में मुस्तैद है और हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण टूटे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं भिवानी की जनता का सहयोग मिला है, और जिस तरीके से अजीत सिंह जी बता रहे हैं कि 80% जनता ने सपोर्ट भी किया है, मास्क में नज़र भी आए, वो 20% जो रह गए हैं, कुछ मेरे जैसे भी हैं, मैं बैठी हूँ बट मेरी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से मुझे बिना मास्क के बैठना पड़ रहा है। मैत्री भी हमारे बीच में है, शिक्षाविद हैं आप, शिक्षा में भी एक नया बदलाव देखने को मिला है मैत्री, इस दौरान अब एक नई तरीके के नवाचार भी आए, डिजिटलाइजेशन का दौर भी हमने देखा, और साथ ही साथ हमने कुछ नुकसान भी झेले हैं। आप कैसे देख रही हैं इस कोरोना काल को, इन बदलावों? ओके, सो हाय, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो कोरोना इज समथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, हम बात करेंगे इसके बारे में, एंड स्टार्ट करते हैं डिस इन्फॉर्मेशन से। सो अभी फिलहाल फर्स्टली SARS-CoV-2, दैट्स वॉट वी ऑफिशियली कॉल इट, राइट? सो द बेस्ट वे टू गो अबाउट एनी काइंड ऑफ डिजीज, एपिडेमिक, पेंडेमिक, इज टू हैव द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा, राइट? हम वही अभी नहीं कर रहे, राइट? हमारे पास वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। नाउ लेट्स गो बैक टू रिमोट लर्निंग एंड डिजिटलाइजेशन, एज यू आस्क्ड मी, राइट? पेंडेमिक ये पहला नहीं है, दिस इज़ द सेकेंड वेव, ये दूसरी बार सेम डिजीज से हम लड़ रहे हैं। इसका पहले वाला म्यूटेटेड जो वर्जन था वो 2003-2002 में मिडल ईस्ट में आया था। वी डोंट नो अबाउट दिस, राइट? ये जनरल इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं है, वी डिडंट ट्राई टू इवन लर्न अबाउट इट एनीथिंग, एंड ये हमारे एंड पे ही कुछ खामियाँ है जिसके वजह से हम ये अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, राइट? So let's go back how remote learning etc. helps out. Education sabse best tarika hai to just have any kind of right way of living. True, right? Agar hame acche se jeena hai, sahi se jeena hai, healthy way, non-healthy way,
educated way, non-educated way, skillful way, it's education that helps at the end of the day, right? So we'll just focus mostly on that. Now, remote learning. We need to change the infrastructure, etc., if we're going to do remote learning. And the thing is, we're just not doing that, right? Ground reality wahi hai. Infrastructure sirf wahi issue nahi hai. Uske alawa, hamare students, hamare parents, hamare teachers, wo log equipped nahi hai. We are not able to get through to them. बिल्कुल मैत्री, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात उठा रही हैं. और चूंकि भिवानी को देखिए, मैं खुद भी अगर ऑब्जर्व करूं तो बहुत समय से हम देख रहे हैं भिवानी में आना जाना है. भिवानी को मैं एक शहर नहीं कहूंगी, मुझे एक बड़ा गांव ज़रूर दिखता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब डेवलपमेंट की जिक्र होती है तो ज़रूरी है एजुकेशन पर बात होना. और मैत्री ने बहुत अच्छी बात उठाई है, शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव का परिचायक होती है. हमारे बीच में सपना गहलावत जी हैं. देखिए सपना जी, अगर हम भिवानी की बात करते हैं तो रूरल एरिया जो है वो यहाँ पे काफ़ी डोमिनेटेड है, ये जगह जो है आसपास की. तो इन लोगों को समझाना और यहाँ तक वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लेकर जाना, उसमें किस तरीके के चैलेंजेस फेस किए इस कोरोना काल में आप? बिल्कुल सही आपने ये पॉइंट उठाया है. जो रूरल बैकग्राउंड में और रूरल एरिया में हमारे जो लोग रहते हैं, उन तक बातें पहुँचाने के लिए हेल्थ टीम लगातार, ना ही सिर्फ इस कोरोना काल में बट अदरवाइज भी, स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं, जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, जो हमारे मल्टीपल हेल्थ वर्कर्स मेल और फीमेल्स हैं, जो हमारे बाकी कर्मचारी जो पीएचसी सीएचसीज पे बैठे हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी लोग हैं, वो निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि हम अपनी बातें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकें, अवेयरनेस फैला सकें, सबको जो बातें हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, सारी ही बातें हम समय समय पर प्रोग्राम्स के ज़रिए, कैंप्स के ज़रिए, डोर टू डोर एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम बताते रहते हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना काल में जो हमारे वर्कर्स ने काम किया है, डोर टू डोर जाके किया है, होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को जो देखभाल दी गई है, उसके लिए मैं सभी हमारे जो कर्मचारी हैं उनको मैं उनका मैं धन्यवाद भी करती हूं और उनको सराहना भी चाहती हूं. देखिए हर विभाग के अपने चैलेंजेस इस कोरोना काल में रहे हैं और हर सेक्टर पर एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है, हमने देखा भी है. लेकिन सवाल यही है कि हमें बदलाव अपने भीतर से पैदा करने होंगे. कहते हैं ना कि दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल तो ही ये ज़माना बदलेगा. तो इस ज़माने में अगर बदलाव लाना है तो बदलाव हमें भीतर से शुरू करना होगा. हमारे भीतर, हमारे आसपास कुछ लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि कुछ सवालात किए जाएं हमारे मेहमानों से, क्योंकि जो भी लोग हमारे बीच में बैठे हैं वो एक अच्छे खासी पोजीशनिंग पे हैं और एक बदलाव इनके हाथों में है. तो जनता क्या पूछना चाहती है हमारे मेहमानों से? रवि जांगड़ा मेरे सहयोगी, मैं चाहूंगी कि आप माइक लोगों के बीच में लेकर जाएं और क्या पूछना चाहते हैं लोग. हेलो सर. सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एसपी सर इज कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक लॉकडाउन, the nature of cases, amount of cases towards child and female abuse has increased a lot. So what are your comments over this? ऐसा है, जो भिवानी का जो हमारा डेटा है उसमें हमने कोई ऐसा appreciable increase नहीं देखा है जो आप बता रहे हैं कि cases against child and women इन जो increase हुए हैं, ऐसा हमारे सामने कोई भी ऐसा एविडेंशरी डेटा नहीं है कि जिसमें हम कह सकें कि इंक्रीज़ हुए हैं. दूसरा, इसमें कोई पैटर्न ढूंढना है, वो इतने छोटे समय के एक पेंडेमिक में हम कोई भी पैटर्न इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकते. यदि कोई लंबे समय तक ये पेंडेमिक चले और वहाँ पे कुछ इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो वो इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई क्या कारण रह सकते हैं. तीसरा है कि जो ओवरऑल क्राइम है वो काफ़ी कम हुआ था जब पिछले, जब लास्ट ईयर जब मार्च के अंदर जब ये कोरोना लगा था, उसके लगभग 3-4 महीने तक पेंडेमिक में क्राइम ऑब्वियसली काफ़ी कम आया था. उसके बाद में ज़रूर थोड़ा इंक्रीज हुआ था क्योंकि जेल से भी काफ़ी हार्डन क्रिमिनल थे, उनको पैरोल पे छोड़ा गया था. उसके अलावा भी जो पुरानी रंजिशें थी वो भी लोगों ने बाद में कोरोना काल के बाद में निकाली. इस तरह से थोड़ा इंक्रीज आया था क्राइम में, लेकिन ओवरऑल पूरे कोरोना पीरियड के अंदर क्राइम काफ़ी कम रहा है.
सपना गहलावत जी से भी सवाल करना चाहते हैं हमारे कुछ दर्शक. रवि, सपना जी से मैं सवाल पूछ लेता हूं. सोनल जी, सपना जी, भिवानी की बात करें, भिवानी में आप मानते हैं कि पहले फेज की बजाय दूसरे फेज में अगर सुविधाओं की बात करें, टेस्ट की बात करें, टेस्टिंग, ट्रेकिंग एंड ट्रीटिंग, तीन चीजें आती हैं. पहले SMS की बात आती थी, क्या वो तमाम चीजें मुकम्मल हैं, तमाम चीजें पूरी हो चुकी हैं? हमारे भिवानी अस्पताल में सुविधाओं को लेके अगर हम चर्चा करें तो हमने हमारे हॉस्पिटल में मॉलिकुलर लैब इस्टेब्लिश की है, यानी RT-PCR लैब. तो जो RT-PCR टेस्ट यानी कोविड के लिए जो टेस्ट हम किया करते थे वो हमारे पहले PGI रोहतक और अग्रोहा में जाया करते थे, लेकिन वो सारे ही टेस्ट अब हमारे सिविल हॉस्पिटल में स्थित जो हमारी मॉलिकुलर लैब है वहीं पर ही टेस्ट होते हैं. और डेली के जो हमारे लैब में टेस्टिंग की जो क्षमता है वो 1000 से 1500 टेस्ट की है. और हमारे जो सैम्पलिंग आज के दौर में जो लिए जा रहे हैं वो अभी 1000 से 1200 के बीच में हम डेली की सैम्पलिंग कर रहे हैं. तो ये सुविधा मैं मानती हूँ कि भिवानी शहर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भिवानी वासियों के लिए, क्योंकि इसमें एक तो हमें लाने ले जाने का सैम्पल्स का जो हमारे को टाइम लगता था, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स मिलने में जो टाइम लगता था वो काफ़ी शॉर्ट हो गया है, उसको काफ़ी स्क्वीज कर दिया गया है. तो विद इन 24 आवर्स एक तो हमें रिपोर्ट पता चल जाती है, एक हमारी अपनी लैब होने का एक अलग ही हम लोग गर्व महसूस करते हैं. दूसरा जो है, हमने जो हमारे हॉस्पिटल में है ICU भी एक इस्टेब्लिश किया है. ICU जो आइसोलेशन वार्ड पेशेंट्स कोरोना के लिए ही स्पेशली रखा गया है, उसमें वेंटिलेटर्स भी हैं. और ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भिवानी शहर के लिए. चलिए, अच्छी बात है. और देखिए, अगर भिवानी की बात करते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से तो मुझे भी लगता है आंकड़े भी ये कहते हैं, और यहाँ के अस्पताल जो हैं उनकी भी अपनी एक प्रेस्टीज है, और कहीं ना कहीं लगता है कि भिवानी स्वास्थ्य के लिहाज से एक बेहतर पोजिशन में खड़ा है. और सपना गहलावत जी जिस तरीके से बता रही हैं कि अच्छी सुविधाएँ यहाँ पर हैं और अच्छे की हम उम्मीद करते हैं. मैत्री, यू हैव फोकस्ड ऑन एडुकेशन एंड सीरियसली दिस इज़ अ नीड ऑफ आर for whole world, not only for India, not only for Haryana. So how you think what we should do on that, and what are the main vision for what we should follow, that all people should know about education and all facilities you are talking about? Okay, so the thing is, the only solution ever when it comes down to education is independent learning, right? That's what we need to get our students to do. It's not an easy task. It's not an impossible task either. It is not a hard task. It's just a slow one. Time lagta hai, but we will eventually get there to a position, to a point where all our kids are independent learners. Now, what does independent learning mean? It just basically means that our kids are accountable for their own education. Wo log apne hi khud ki padhai ki zimmedari khud le, right? Ek ye bahut high level skill hai जो बच्चों में अपने आप नहीं आएगा, और यहीं पे एजुकेशन सिस्टम हमारा पीछे रह जाता है. एजुकेशन सिस्टम का काम ये है कि हम स्किल सिखाए बच्चों को, सुपरफिशियल नॉलेज नहीं. क्योंकि सुपरफिशियल नॉलेज तो गूगल करके भी जान सकते हैं, सिंपल थिंग्स लाइक पाई एट्सेट्रा जो स्कूल में सिखाया जाता है, बट हम क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक्स, राइट, कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ एनी काइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये हमारे बच्चों को सिखा ही नहीं रहे. एंड दिस इज अ रियली रियली गुड वे टू गो अबाउट द होल प्रॉब्लम दैट वी हैव राइट नाउ. हम हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाना सिखा सकते हैं, ताकि जब रिमोट लर्निंग हो रही है, राइट, वो लोग खुद अपने स्क्रीन के सामने बैठ के खुद सीखना चाहे. खुद ही नहीं सीख रहे, अपने पेरेंट्स को भी सिखा रहे. एंड दिस इज अ परफेक्ट वे टू गेट न्यूमरेसी लिटरेसी नंबर्स रियली हाई. अनदर प्लेस दैट वी स्ट्रगल मोस्टली, राइट, इज द कोर्स कंटेंट लेवल विच इज रियली हाई राइट नाउ. एंड स्टूडेंट लर्निंग लेवल्स, दे जस्ट डोंट मैच अप. हमारे टीचर्स आर नॉट स्मार्ट इनफ टू टीच दिस कंटेंट, सो वी गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, राइट, एंड वी टीच अप
teachers how to teach our kids. How simple is that? Indeed, Maitri, you have raised some essential points and us par baat honi chahiye, sab logon ko karni chahiye aur dekhiye education par focus hona bahut zaruri hai. Is satr mein humne swasthya ki baat ki, shiksha ki baat ki aur prashasan nik amla kis tarike se baat kar raha hai us par humne charcha ki. To zahir taur par ab tak ki agar journey Bhiwani ki dekhte hain to smartness ke sath Bhiwani aage badh raha hai aur smartness ki hum ummeed karte hain. Hum chahte hain ki log jagruk hon aur aage is smartness ke daire ko aur zyada vistrit taur par हम लोग देखें. इस सत्र में मेरे साथ बस इतना ही. आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया. प्रेजेंटेड बाय सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसलवास दुबिया भिवानी. द मोस्ट प्रीमियर सीबीएसई स्कूल इन भिवानी. एसोसिएट स्पॉन्सर वर्धमान ज्वेलर्स भिवानी. वरदान विश्वास का. एजुकेशन पार्टनर आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस. स्कूल विद अ डिफरेंस. बीके सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल. हेयर एवरी स्टूडेंट मैटर्स. एवरी मोमेंट काउंट्स. हेल्थ पार्टनर त्रिवेणी डेंटल. दांतों की समस्या का समाधान कदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. एक कदम स्वास्थ्य की ओर अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी. वी केयर अबाउट यू. SMSG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी. स्वास्थ्य आपका संकल्प हमारा. फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार विश्वास 30 वर्षों का. पार्टनर जिंदल 550 प्लस डी विश्वास 49 वर्षों का. एक्सक्लूसिव मार्केटेड बाय जय भारत स्टील्स हिसार. वेन्यू पार्टनर हलवासिया विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी.